जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे और आज बोल में हम ये दो मुद्दे आपके सामने लेकर आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने आखिर कन्हैया के मुद्दे पर यू टर्न क्यों मारा? क्या अरविंद केजरीवाल और अमित शाह के बीच में एक सीक्रेट डील है? मुद्दा नंबर दो जो आज मैं आपके सामने उठाने वाला हूं कि गिद्ध मीडिया जाफराबाद पहुंच गया है, यानी कि जहां पर दंगे हुए वहां पर पहुंच गया है गिद्ध मीडिया। यह वही मीडिया है जो पिछले 5 साल से लगातार अपने प्राइम टाइम शोज में हिंदू मुसलमान का खेल खेल रही थी और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर इनडायरेक्टली ये मीडिया जिम्मेदार है अगर आज दिल्ली में दंगे हुए हैं तो। मगर शुरुआत में करना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल के रहस्यमय यूटर्न से। खबर क्या मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने आखिरकार कन्हैया उमर खालिद और अन्य विद्यार्थियों के खिलाफ देशद्रोह राजद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। एक अरसे से वो इस मुद्दे पर बैठे हुए थे मगर अब उन्होंने अनुमति दे दी है। तो आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं अरविंद जी से। अरविंद जी, आपके इस हृदय परिवर्तन की वजह क्या है? क्योंकि मैं जानता हूं कि आम आदमी पार्टी की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो ये लगातार कह रही है कि साहब एक सामान्य प्रक्रिया है, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों ये अपने आप में कितना गलत है। और मैं अपनी बातें यहां नहीं रखने वाला हूं, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अरविंद केजरीवाल खुद इस मुद्दे पर इससे पहले क्या कहते रहे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल ने दरअसल कन्हैया के बारे में क्या कहा है, जिसके खिलाफ इन्होंने अब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। What a brilliant speech by Kanhaiya. 3 मार्च 16, 2016 को यह बात कही थी अरविंद केजरीवाल ने कि क्या शानदार स्पीच दी है कन्हैया ने। अब गौर कीजिए उनका एक और पुराना ट्वीट। कोई भी राष्ट्र विरोधी ताकतों का समर्थन नहीं करता है, और यह 12 फरवरी 2016 को जारी किया गया उनका ट्वीट है। कोई भी राष्ट्र विरोधी ताकतों का समर्थन नहीं करता मगर बेकसूर विद्यार्थियों पर निशाना साधना गलत है और ये मोदी सरकार के लिए जो है मुश्किल साबित होने वाला है। इसकी भारी कीमत मोदी सरकार को चुकानी पड़ेगी। तो अरविंद जी, ये आपकी राय थी कन्हैया और जेएनयू के उन विद्यार्थियों पर जिनके खिलाफ अब आपने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। अब आप कहेंगे कि हो सकता है साहब ये 2-3 साल पुरानी बात हो, तो मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल सरकार के सरकारी वकील ये शख्स राहुल मेहरा का इस मामले में क्या कहना है आपके स्क्रीन्स पर। राहुल मेहरा कह रहे हैं कि इस वक्त जो भी सबूत कन्हैया और बाकी छात्रों के खिलाफ हैं वो बहुत कमजोर हैं, उनमें काफी गैप्स हैं और ऐसे में ये अदालत में बदस्तूर बरकरार नहीं रह सकते। ये बात किसी और ने नहीं दोस्तों बल्कि राहुल मेहरा जो कि सरकारी वकील हैं उन्होंने बात कही है। दोस्तों दुख की बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात के आदेश दिए हैं कि हम अगर देशद्रोह का मुकदमा किसी पर दर्ज करें तो हमें तमाम चीजों को जांच कर लेना होगा। मसलन आपके स्क्रीन पर जस्टिस दीपक गुप्ता ने इस मामले में क्या कहा था, यह मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि किसी पर देशद्रोह का कानून तब लगाया जाना चाहिए जब उनके भाषणों से हिंसा को बढ़ावा मिलता है या किसी तरह की हिंसा मिलती है। तो आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं ना कि कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर या फिर वारिस पठान, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, इन पर तो अब तक देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। देवेंद्र सिंह जो आतंकवादियों को ले जा रहा था दिल्ली में आतंकवादी हमला कराने के लिए, संभव था, उस पर तो कोई देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। तो जब हमारी सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर अनुमति दे रही है तो आखिर हमारी सरकारें बात क्यों नहीं समझ पा रही हैं? आप ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सरकारें कितनी आसानी से अपने नागरिकों पर निशाना बनाना चाहती है? मैं आपको बताऊंगा कि इसका असर कन्हैया पर क्या पड़ेगा। मगर उससे पहले दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एक मामला सामने उभर कर आया था
बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आपके स्क्रीन पर बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। क्या आप जानते हैं कि अक्टूबर 31, 1984 जिस दिन इंदिरा गांधी को उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स ने मौत के घाट उतार दिया था, तब इस बलवंत सिंह ने एक और शख्स के साथ मिलकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। यह मामला जो है अदालत में पहुंचा और क्या आप जानते हैं अदालत ने क्या कहा, यह मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। अदालत ने यह कहा था, रेजिंग ऑफ सम लोनसम स्लोगन्स अ कपल ऑफ टाइम्स बाय टू इंडिविजुअल्स विदाउट एनीथिंग मोर डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी थ्रेट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया nor could it give rise to feelings of enmity or hatred amongst different communities. ये किसी और ने नहीं बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुछ नारे लगा लेने से देश की जो अखंडता है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। दोस्तों अब एक और मामला था, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962। ये जो अदालती फैसला आया था केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, While the clause was constitutional, यानी कि जो 124A जिसके अंतर्गत आप किसी पर भी देशद्रोह का मुकदमा लगा सकते हैं वो संवैधानिक तो है, मगर इससे किसी भी सूरत में हिंसा को बढ़ावा नहीं मिल रहा है या फिर पब्लिक डिसऑर्डर इससे नहीं पैदा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बातें क्यों कही थी दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने बातें इसलिए कही थी ताकि सरकारें अपने नागरिकों को बेवजह निशाना ना बनाएं, क्योंकि आज तक ऐसा कोई वीडियो सामने उभर कर नहीं आया है जिसमें अनिर्बान, उमर खालिद या फिर कन्हैया ने किसी तरह का कोई देशद्रोही नारा लगाया हो। एक भी ऐसा नारा उभर कर नहीं आया है कन्हैया के खिलाफ। तो आज मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि दरअसल अरविंद केजरीवाल सरकार दरअसल इस राजद्रोह का मुकदमा चलाने को लेकर अनुमति क्यों दे रही है, इसका कन्हैया पर क्या असर पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं दोस्तों इस मुद्दे पर कन्हैया और उमर खालिद ने क्या कहा है। आपके स्क्रीन पर, दिल्ली सरकार को सेडिशन केस की परमिशन देने के लिए धन्यवाद। दिल्ली पुलिस और सरकारी वकीलों से आग्रह है कि इस केस को अब गंभीरता से लिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हो और टीवी वाली आपकी अदालत की जगह कानून की अदालत में न्याय सुनिश्चित किया जाए, सत्यमेव जयते। और इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं उमर खालिद वो आपके स्क्रीन पर हैं। ये बयान उन्होंने न सिर्फ अपने तर्ज पर बल्कि अनिर्बान के तर्ज पर भी जारी किया है। द न्यूज ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट ग्रांटिंग सैंक्शन टू सेडिशन केस अगेंस्ट अस डजंट ट्रबल अस एट ऑल, हम इससे चिंतित नहीं है। वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ आर इनोसेंस, हैव फुल फेथ इन द जुडिशरी एंड हैव आवरसेल्व्स बीन डिमांडिंग द केस अगेंस्ट अस टू बी ट्राइड इन द कोर्ट्स। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से बेकसूर हैं, हम खुद इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ मुकदमा चलाया जाए और हम जीत जाएंगे। ये बातें यहां पर उमर खालिद कह रहे हैं। आज मैं अरविंद केजरीवाल से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आपके अपने सरकारी वकील ने कहा है कि इस मुद्दे में कोई जान नहीं है, सबूत पूरी तरह से कमजोर हैं, तो फिर आपने इजाजत क्यों दी? केस की वजह यह तो नहीं कि कुछ दिनों पहले आपने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, वो गृहमंत्री जो अब तक दिल्ली में हुए दंगों पर पूरी तरह से खामोश हैं? केस की वजह यह तो नहीं अरविंद जी? क्या इस मुलाकात में कोई ऐसी डील तो नहीं सामने उभर कर आई है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं? ये तमाम मुद्दे उठाए जाने चाहिए और मैं आपको बताता हूं कि इसका असर कन्हैया पर क्या पड़ने वाला है। दोस्तों इस वक्त कन्हैया जो है ना बिहार की यात्रा पर है, वो जहां जहां जा रहे हैं उनका जबरदस्त स्वागत हो रहा है भीड़ द्वारा, लोग उनके भाषण को सुनने आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं और इस बात की सुगबुगाहट है कि आने वाले बिहार के चुनावों में उनका कहीं ना कहीं तालमेल हो सकता है कांग्रेस और आरजेडी के साथ। अब यह सिर्फ चर्चाओं में है। अब यह मुकदमा दर्ज करने से क्या होने वाला है? आप जानते हैं कि अगले 10 दिनों में तो मुकदमा का फैसला हो नहीं जाएगा, ये मामला घिसटता जाएगा। और होगा क्या, फिर अचानक फिर से कन्हैया, उमर खालिद, अनिर्बान और अन्य लोगों के साथ देशद्रोही का तमगा जड़ जाएगा। चुनावों के अंदर कांग्रेस चाहकर भी या फिर आरजेडी चाहकर भी कन्हैया की किसी तरह से मदद नहीं ले सकती, उनके साथ जुड़ नहीं सकती। और मैं आपको इसका एक प्रमाण देना चाहूंगा, आप खुद देखिए इस मुद्दे पर प्रकाश जावड़ेकर ने क्या ट्वीट किया है। आपके स्क्रीन पर प्रकाश जावड़ेकर का ट्वीट। प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं,
लोगों के दबाव के कारण आखिर दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी ने जेएनयू मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति देनी पड़ी। 3 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये अनुमति टालते रहे, लेकिन आखिर उन्हें जनता के आगे झुकना पड़ा। और फिर वो एक अपने ट्वीट में कहते हैं कि किसी तरह से ये टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ कहीं ना कहीं ये फैसला दिखाई देता है। यानी कि फिर वो लोग जो इस सरकार से असहज करने वाले सवाल करते हैं उन्हें टारगेट किया जाता रहेगा। ये जो मुकदमा दर्ज करने की इजाजत कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने दी है, इसका यह असर पड़ने वाला है दोस्तों। एक ऐसे देश में जहां सरकार से सवाल करना देशद्रोह करार दिया जाता है, एक ऐसे देश में जहां पुलवामा का आरोपी बरी हो जाता है क्योंकि NIA चार्जशीट तक दाखिल नहीं करती है, यह है इन लोगों की देशभक्ति। एक ऐसा देश जहां देवेंद्र सिंह आखिर क्यों कह रहा था जब उसे गिरफ्तार किया गया था कि साहब ये गेम है, इसे मत बिगाड़िए। जी हां, हम इन लोगों से सवाल नहीं करते हैं। हम नौसेना जासूसी प्रकरण में जिसमें 11 लोग पकड़े गए थे और 11 के 11 लोग, कोई शर्मा था, कोई चतुर्वेदी था, कोई रावत था, कोई सिंह था, किसका नाम राम था, हम उस मुद्दे पर चर्चा नहीं करते हैं दोस्तों। हम ये नहीं समझते कि जो लोग हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं हम उन्हें कटघरे में नहीं रखते हैं, हम इस सरकार के दोहरे मापदंड को कटघरे में नहीं रखते हैं। हम सतही मुद्दों का, जिसका कोई मायने नहीं है, हम सिर्फ उसी मुद्दों पर देशभक्ति का मुद्दा उठाते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ना फंसे, जहां इनके सियासत ना फंसे। हमारा जो आक्रोश है ना, हमारा जो गुस्सा है वहीं तक सीमित है। मुझे आपत्ति इस बात पर है। बोल के लब आजाद है तेरे में। आज हमारा दूसरा मुद्दा है कि किस तरह से गोदी मीडिया के एंकर्स जो हैं अब वो दंगा प्रभावित इलाकों में उतर पड़े हैं। जी हां, ये वो पत्रकार हैं दोस्तों जिन्होंने पिछले 5 सालों में इस सत्ता का पिछलग्गू बनकर अपने कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं जहर बोया है, हिंदू मुस्लिम से जुड़े मुद्दे चलाए हैं। आपके स्क्रीन पर इन चैनल्स ने किस तरह की महान प्रोग्राम चलाए हैं। जब राम मंदिर का फैसला भी नहीं आया था तब उन्होंने इस तरह के डिबेट्स चलाए थे, तब इस तरह से मुसलमानों को टारगेट करने वाले शोज इन्होंने लगातार किए थे, और अब ये एंकर्स उतर गए हैं गिद्धों की तरह दिल्ली के दंगा प्रभावित इलाकों में। और क्या आप जानते हैं इन्हीं चैनल्स के जो असली रिपोर्टर्स हैं, जो जमीन पर काम करते हैं, उन्हें भीड़ लगातार टारगेट कर रही है। कई पत्रकारों के तो पैंट्स तक उतार दिए गए यह देखने के लिए कि वो मुसलमान हैं कि नहीं, और उन्हें जिंदा जाने दिया गया। कई पत्रकारों से कहा गया कि आप हनुमान चालीसा पढ़ें। और यह सब इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि पिछले 5 सालों में इन्होंने जहर बोया है अपने प्राइम टाइम शोज के जरिए। आज ये देखिए, ये 3 चेहरे जो हैं उतरे हैं, मैंने जानबूझकर इनकी पहचान छुपाई है। आप जानते हैं ये लोग कौन है। इनमें से एक शख्स ने तिहाड़ जेल में पहुंचकर देश का नाम रोशन किया था, पत्रकारिता का नाम रोशन किया था। आज ये वो लोग हैं जो मैदान में उतरे हैं गिद्धों की तरह। मुझे आपत्ति है इनके उतरने पर। बोल के लब आजाद है तेरे में। बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।